So now we are starting our exercise 1.5, which is based on the truth table. हमें उसमें truth table बनाना है, उसकी value find करना है. तो पहले देखते हैं, उससे पहले implication क्या होता है. इसे कहते हैं हम single arrowhead से, ये होता है implication. So implication, इसको read करते हैं, P implies Q if P and Q are two simple statements. और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है. इफ पी इज ट्रू एंड एफ इज फॉल्स, देन इफ पी इज ट्रू एंड एफ इज फॉल्स, देन इट इज फॉल्स. अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. तो इसे हम पढ़ते हैं, सिंगल एरो हेड से डिनोट करते हैं, पी इंप्लाइज क्यू, और इसे कहते हैं इम्प्लीकेशन का नोटेशन है सिंगल एरो हेड. अगर पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी फॉल्स, और बाकी सब में इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू, इफ बोथ आर फॉल्स देन ऑल्सो ट्रू, इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड सेकेंड वन इज ट्रू देन ऑल्सो ट्रू, एंड इफ फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स देन द ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स. फिर आते हैं डबल इम्प्लीकेशन, इसे कंडीशनल भी बोलते हैं. इफ पी देन क्यू, इसको कैसे रीड करते हैं, और इफ पी देन क्यू. अब यह हो गया सिंगल इम्प्लीकेशन था, ये इसे ऐसे भी बनाते और इसे इस तरह से और इस तरह से बनाते हैं, और इसे बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल. वो कंडीशनल था, ये बाय कंडीशनल होएगा डबल इम्प्लीकेशन. इसे रीड करते हैं, पी इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्यू, पी इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय क्यू. इसमें क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, If P is true and Q is also true, then the truth value will be true. If P is false and Q is true, then also false. If P is false, Q is true, then also false. If P is false and Q is also false, then the truth value will be true. Means, अगर P and Q same है, तो truth value true आएगी. अगर एक भी अलग है, means पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स ही आने वाली है. अगर दोनों सेम है, बस याद रखना है इसमें डबल इम्प्लीकेशन में, अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, मीन्स उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी. अगर एक भी अलग होता है तो फॉल्स. ये है डबल इम्प्लीकेशन. सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या था, पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो फॉल्स नहीं तो ट्रू, बस दैट्स इट. इतना ही याद रखना है हमें. लेट्स नाउ सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन बेसिस ऑन दिस. तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं हम, इसका टेबल बनाते हैं. सबसे पहले पी क्यू बनेगा, सबसे पहले बनेगा पी के लिए एंड क्यू के लिए. फिर हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बताना है, तो P डबल इम्प्लाइज Q. फिर थर्ड वन रहेगा, सॉरी फोर्थ कॉलम, नॉट P नॉट Q, फिर P एंड Q एंड नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q. फिर लास्ट कॉलम किसके लिए बनाएंगे हम, फाइनल आंसर के लिए. पी एंड क्यू और नॉट ऑफ पी एंड नॉट क्यू, ये हमारा लास्ट कॉलम. सो पहले क्या देखेंगे, पी का क्या होता है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. क्यू का क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. इस तरह से इसकी ट्रूथ टेबल बनता है.
ये हो गया हमारा एंड। अब देखते हैं पी डबल इंप्लाइज क्यू, क्या देखा था, अगर दोनों सेम है बोथ आर ट्रू देन ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स देन ऑल्सो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों सेम था, P भी ट्रू था Q भी ट्रू था तो ट्रू आ गया, दोनों फॉल्स था तो भी ट्रू आ गया। नॉट P क्या होता है, नेगेशन ऑफ P, P का उल्टा लिख देना है नॉट P में, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। नॉट ऑफ Q, Q का उल्टा कर देना, उसका नेगेशन लिखना है फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। P एंड Q क्या होता है, हमने इसका भी ट्रूथ टेबल देखा है समरी में, P एंड Q क्या होता है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, बोथ आर ट्रू, P एंड Q दोनों भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, इस तरह से हमने याद रखा था, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। नॉट P नॉट Q, नॉट P नॉट Q का भी टेंशन नहीं, बस याद रखना है एंड, जो लॉजिकल कनेक्टिव एंड है हमारा उसके लिए क्या होता है, एंड के लिए हम क्या करते हैं, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो देखते हैं दोनों ट्रू किधर है, नॉट P नॉट Q में बोथ आर ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज और कहीं ट्रू है नहीं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। P एंड Q और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q मीन्स ये दोनों टेबल, तो और में हमें क्या याद रखना है, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, इफ वन इज ट्रू देन ट्रू मीन्स अगर दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू ही आने वाली है उसकी वैल्यू। तो अब हमें क्या बोला था वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें थर्ड कॉलम और एट्थ कॉलम इक्वल है कि नहीं देखना है, तो इफ थर्ड कॉलम एंड एट्थ कॉलम आर आइडेंटिकल सो P डबल इंप्लाइज Q इज इक्वल टू और इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q, ये हमने प्रूव कर लिया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का, सो वी विल स्टार्ट बाय ड्राइंग द टेबल पी क्यू, नॉट P नहीं पूछा है, सिर्फ नॉट Q है तो नॉट ऑफ Q का एक टेबल, फिर P इंप्लाइज Q का एक टेबल, पहले इधर लिख देते टेबल बनाते P Q नॉट Q P एंड नॉट ऑफ Q, फिर P इंप्लाइज Q, फिर P एंड Q डबल इंप्लाइड P एंड नॉट ऑफ Q implies P implies Q, ये हमारा टेबल, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नॉट Q मीन्स Q का नेगेशन, Q का अपोजिट लिखना है, जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स और जहां फॉल्स है वहां पे ट्रू। P एंड नॉट Q, एंड का क्या हमें याद है, अगर एंड है तो बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे P एंड नॉट Q, एक ट्रू एक फॉल्स है मीन्स फॉल्स, बोथ आर ट्रू कहाँ पे है, ट्रू एंड ट्रू सेकेंड वाले ट्रू में, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स हो गया। P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स मीन्स सेकेंड वाली कंडीशन, बाकी सब में ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी ट्रू है सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो P इंप्लाइज Q में वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, बाकी सब ट्रू रहेगा। अब डबल इंप्लीकेशन में क्या याद रखा हमने, अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है, इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू देन इट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, या तो फिर दोनों फॉल्स हो, P भी फॉल्स हो Q भी फॉल्स हो, तो देखते हैं दोनों स्टेटमेंट सेम कहाँ पे है, ये एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स है, मतलब कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो ऑल आर फॉल्स।
अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला है कि स्टेटमेंट जो दिया है पी एंड क्यू वो कॉन्ट्रेडिक्शन है, टॉटोलॉजी है या फिर कॉन्टिजेंसी है। तो टॉटोलॉजी क्या होता है पहले वो देखते हैं। व्हाट इज टॉटोलॉजी? टॉटोलॉजी से ये समझ में आता है अगर हमारा लास्ट कॉलम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका लास्ट कॉलम अगर उसकी लास्ट कॉलम की सारी वैल्यू ट्रू आती है तो उसे कहते हैं टॉटोलॉजी, बट यहाँ पे हमें फॉल्स मिला है तो ये टॉटोलॉजी नहीं है। सेकंड होता है इसकी ट्रूथ वैल्यू टी से डिनोट करते हैं हम। सेकंड वन इज कॉन्ट्रेडिक्शन। कॉन्ट्रेडिक्शन क्या बोलता है? अगर लास्ट कॉलम अपनी लास्ट कॉलम की सारी वैल्यूज फॉल्स आती है तो उसे कॉन्ट्रेडिक्शन बोलते हैं। मीन्स ये क्या हो गया अभी इस सम को हम बोलेंगे ये कॉन्ट्रेडिक्शन है, सारी वैल्यूज फॉल्स आई है, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं उसकी ट्रूथ वैल्यू। एंड लास्ट वन इज कॉन्टिजेंसी, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स। मीन्स लास्ट कॉलम में ट्रू और फॉल्स दोनों का मिक्सचर रहेगा, उसमें ट्रू भी आएगा और फॉल्स भी आएगा, बट यहाँ पे हमें क्या मिला है सिर्फ फॉल्स, तो उसे क्या बोलेंगे ये कॉन्ट्रेडिक्शन। अगर ट्रू आता तो टॉटोलॉजी, अगर ट्रू फॉल्स और फॉल्स सिर्फ एक ट्रू रहता तो भी कॉन्टिजेंसी बोलते उसे। तो ये था हमारा कॉन्ट्रेडिक्शन का सब। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिव्स और उसके स्टेटमेंट्स पे। इधर अब हम नया सम कर रहे हैं जिसपे तीन स्टेटमेंट दिए हुए पी क्यू एंड आर, तो इसमें एट कॉलम्स बन जाएंगे। पी फर्स्ट वन पी, सेकंड क्यू एंड थर्ड इज आर। पी के लिए ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू ट्रू, चार ट्रू एंड चार फॉल्स। एंड क्यू के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, ऐसे अल्टरनेट बनाएंगे। और आर के लिए ट्रू फॉल्स फिर हमें क्या सॉल्व करने बोला है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का एक कॉलम बना दिया हमने एंड लास्ट कॉलम विल बी पी एंड आर, सेकेंड लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम बनेगा पी एंड क्यू और पी एंड आर, पी एंड क्यू का और पी एंड आर। अब ट्रूथ वैल्यू हमने सबकी लिख ली। पहला कंडीशन है पी एंड क्यू, एंड के लिए हमें याद है एंड के लिए क्या करना होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू कहाँ पे है? फर्स्ट कॉलम में आ रहा है दोनों ट्रू, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, इधर भी ट्रू है, फॉल्स इफ वन इज फॉल्स देन फॉल्स, बाकी कहीं भी दोनों ट्रू नहीं है तो सब में फॉल्स। फिफ्थ कॉलम में देखते हैं अब पी एंड आर, पी एंड आर, एंड के लिए हम क्या कंडीशन याद रखें, इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखते हैं, दोनों भी ट्रू है तो ट्रू फॉल्स, दिस इज ट्रू फॉल्स, पी एंड आर, और कहीं भी दोनों ट्रू नहीं है मीन्स सब वैल्यू फॉल्स आएगी। लास्ट पी एंड क्यू और पी एंड आर, और के लिए क्या देखना है हमें, इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, बोथ आर फॉल्स ये है तो फॉल्स, बाकी नीचे सारे फॉल्स है तो ये सब फॉल्स हो जाएंगे। इफ बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो एक भी फॉल्स है तो ट्रू चलेगा, बाकी सब फॉल्स होना चाहिए। तो ये तो ट्रू फॉल्स दोनों का मिक्सचर है लास्ट कॉलम हमारा। तो हमने देखा था लास्ट कॉलम में अगर दोनों का मिक्सचर आएगा ट्रू और फॉल्स का तो हम उसे क्या बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। तो ये क्या हो गया
दिस इज अ इट इज अ कॉन्टिंजेंसी.